राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह, आपको मेरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार या अभिवादन हमारी संस्कृति में सबसे पुरानी और प्रचलित परंपरा है। वैसे भी इन दिनों पूरी दुनिया गले मिलना तो दूर, हाथ मिलाने से भी परहेज करने लगी है और नमस्कार की परंपरा को अपना रही है। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि कोरोना वायरस ने सभी को चिंतित कर रखा है। वैसे भी अमूमन जुकाम, नाक बहना, गला खराब होना, बुखार, इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें इस मौसम में आती हैं, लेकिन इनमें से बहुत सी दूसरी वायरस की वजह से भी हो सकती हैं। इसीलिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूक होना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोरोना वायरस का संक्रमण पर्सन टू पर्सन फैलता है। भारत भी अब इस वायरस से अछूता नहीं है। आपको जानना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को कहीं संक्रमण या सर्दी जुकाम तो नहीं, ऐसे लक्षण तो नहीं है, और इसीलिए हैंडशेक करने से बचना चाहिए क्योंकि बड़ी आसानी से ये आपको भी चपेट में ले सकता है। इसलिए आप भी किसी से मिले तो नमस्कार करें, इससे आपको संक्रमण का खतरा नहीं होगा। इस वायरस को लेकर कई तरह के सवाल और आशंकाएं हैं। आपके तमाम सवाल और शंकाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में देश के दो बड़े विशेषज्ञ हैं। आज का विषय जान लें। आज का विषय है कोरोना वायरस, बुजुर्ग और बच्चों को है सावधानी की जरूरत, एक जागरूकता। जी हाँ, जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि जागरूकता ही इस वक्त आपकी समस्याओं का समाधान है। और आपके इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस के रसानिया हैं, आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर, प्रोफेसर और HOD हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस के सामान्य लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर AK वार्ष्णेय, आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे विषाणु कैसे फैलता है, किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार। तो बातचीत की शुरुआत करें और इस वायरस के बारे में समझने की कोशिश करें, किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं, कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना इस वक्त बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। इन दिनों वायरल बुखार और बीमारियां होना भी स्वाभाविक है। बता दें कि इसी मौसम में जहां कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती है तो कई प्रकार के वायरस भी पैदा होते हैं। जहां उम्र दराज लोगों को अवसाद घेरने लगता है तो तनाव और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं भी हो जाती है। फूड प्वाइजनिंग, पानी की कमी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अलावा तेजी से अस्थमा के रोगियों के लिए भी ये मौसम जी का जंजाल बन जाता है। हालांकि मौसम बदलते समय जुखाम, नाक बहना, गला खराब होना, इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें तो आती है, लेकिन इनमें से बहुत सी अन्य वायरस की वजह से भी हो सकती है। इससे पहले कि आप अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और साइनोसाइटिस के शिकार हो जाएं, आपको जागरूक होना जरूरी है। और जागरूक होना इसलिए जरूरी है कि इन दिनों एक वायरस ने हम सबों को चिंतित कर रखा है। जी हाँ, वायरस, और वो वायरस है कोरोना वायरस। भारत में भी इसके प्रकरण सामने आए हैं। इस वायरस को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल और तरह तरह की शंकाएं हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कोरोना वायरस है तो है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। पहले बता दें, इसका नाम कोरोना है। कोरोना यानी सूर्य के चारों तरफ की चमकदार सतह है। जी हाँ, देखिए इसे, यह है सूर्य के वर्णमंडल से परे भाग, इसे ही कोरोना कहते हैं। इसका नाम कोरोना वायरस इसलिए रखा गया कि इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी सतह कुछ वैसी ही दिखाई देती है जैसा कि हमारे सूर्य के चारों तरफ का चमकदार कोरोना दिखाई देता है। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार कई तरह के हेल्थ एडवाइजरी जारी किए हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। यदि कोई सर्दी जुखाम और निमोनिया से पीड़ित है
तो उसके संपर्क में आने से बचाव करें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और हाथ को बार बार साबुन से अच्छी तरह धोएं। आइए चलें हाथ धोने की सही और वैज्ञानिक विधि सीखें। हाथ धोना रोगों से बचने की सबसे आसान और असरदार क्रिया है। साधारण तरीके से हाथ धोने पर हाथों के कई हिस्सों में कीटाणु रह जाते हैं जो बाद में बीमारी पैदा कर सकते हैं। अतः हमें क्रमबद्ध तरीके से हाथों के सभी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। हाथ धोने से पहले अंगूठी और घड़ी उतार दें और अपने नाखूनों को हमेशा छोटे रखें। अब दोनों हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करें और एक हाथ की हथेली में अगर हो सके तो लिक्विड सोप और अगर लिक्विड सोप न हो तो साधारण साबुन की बट्टी से दोनों हाथों को अच्छी तरह से झाग बना लें। अब उंगलियों के पोरों के बीच की सफाई के लिए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरह से लें और आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह साफ कर लें। हथेलियों की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को मिलाएं और अच्छे से रगड़ कर साफ करें। हाथ के पिछले हिस्से की सफाई के लिए एक हाथ की हथेली को दूसरे हथेली के पिछले हिस्से पर रखकर अच्छी तरह साफ करें। उंगलियों के बीच की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ें या इंटरलॉक करें और अच्छी तरह साफ करें। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच साबुन अच्छी तरह चला जाए। नाखूनों और उंगलियों के पिछले भाग की सफाई के लिए दोनों हाथों को इस तरह पकड़कर घुमाते हुए साफ करें। अंगूठे की सफाई के लिए एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली से इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। अब हाथों की कलाई को साफ करने के लिए एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ में इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ कर लें। अब दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नल को तेज खोल दें और दोनों हाथों के साबुन को अच्छी तरह बहते हुए तेज धार से साफ कर लें। नल बंद करने से पहले नल की टोटी के या ऊपरी सिरे को भी साफ कर लें। साबुन को सुखा कर रखने के लिए ऊंचे स्थान पर साबुनदानी का प्रयोग कर लें। अब दोनों हाथों को पोंछने के लिए केवल साफ तौलिया या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दस्ताने पहनने के पहले भी हाथ अवश्य साफ करें क्योंकि ऑपरेशन या कोई प्रक्रिया करते समय दस्ताने फट सकते हैं और गंदे हाथों के कीटाणु संक्रमण फैला सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संक्रमण श्वास तंत्र यानी रेस्पिरेटरी के द्वारा भी हो सकता है जो अधिकांश रूप से कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए यदि आपको लगे कि आपका गला खराब है या आपकी नाक बह रही है या आपको तेज जुकाम या बुखार है तो अपने चिकित्सक से तुरंत परामर्श लें। सब्जी और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी सावधानी इलाज से बेहतर है। और अगर आप शुरुआत से ही सावधानी बरतेंगे तो इलाज तक पहुंचेंगे ही नहीं। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोरोना के बारे में, इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है और हम सबको इसको लेकर जागरूक होने की ज़रूरत है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर वार्षिणी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, इस स्थिति में ये समझ पाना कि जो ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये कोरोना के हैं या फिर आम संक्रमण के हैं, ये इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे मुश्किल बात भी है समझना। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कभी भी गला खराब ना हुआ हो, सर्दी खांसी ना हुई हो या बुखार ना हुआ, और ये जो साधारणता जो जुकाम होता है या खांसी होती है, गला खराब होता है, ये वायरस से होता है। और इसमें कई तरीके के वायरस होते हैं, राइनो वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटल वायरस होता है और ह्यूमन कोरोना वायरस भी होता है। लगभग जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें 10% केस ह्यूमन कोरोना वायरस के होते हैं, परंतु अभी जिस हम नोवेल कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, ये नोवेल क्यों है, क्योंकि ये जो वायरस है तो कोरोना जाति का ही पहली बार ऐसा है। पहली बार इसका जो, क्योंकि इन वायरस में हमेशा ये होता है कि ये अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं,
और ये एक जूनोटिक डिजीज है, क्योंकि बहुत से कोरोना वायरस हमारे एनिमल्स में पाए जाते हैं और ये तो एनिमल का ही था। हाँ, ये जो है जो वुहान में आया जहाँ पे के लाइव एनिमल मार्केट है, उससे सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ 31 दिसंबर 2019 को जी। और इसीलिए इसको सबसे पहले इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा। पहले ये वायरस जो है कोरोना का दो बार और रूप चेंज कर चुका है। 2002 में भी चीन से ही आया था, उस समय इसका नाम सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी कोरोना वायरस था। उसके बाद 2012 में ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया जो कि सऊदी अरबिया ईस्ट में आया था, वो भी कोरोना वायरस था। और ये भी अब एक कोरोना वायरस का नया रूप आया है, ये भी एनिमल मार्केट से आया और इसको अब WHO ने सार्स कोरोना वायरस 2 का नाम दिया है और इस डिजीज का नाम दिया है कोविड, कोरोना वायरस डिजीज 2019। सो दिस इज द डिजीज जी। डॉक्टर असानिया, जैसे वही मैंने कहा कि सबसे मुश्किल घड़ी इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये मैन टू मैन फैलने वाली बीमारी है, जिसके बारे में हमने बताया। अगर आपने किसी भी वस्तु को छू लिया और दूसरे व्यक्ति ने छुआ जिसको मान लीजिए संक्रमण नहीं है, तो ये बहुत आसानी से फैल जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि यहाँ किस तरह की सावधानी हम बरत सकते हैं और जैसे ही हमें आशंका हो कि शायद हम इसके चपेट में आ गए हैं तो पहली चीज़ उसे क्या करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जैसा डॉक्टर वार्ष्णेय ने बताया कि ये बीमारी कोरोना वायरस जानवरों की बीमारी किसी टाइम में थी, मगर ये जानवरों से मनुष्य में आई। अब ये जो कोरोना वायरस है COVID-19, ये जो है इसके अंदर इसका ट्रांसमिशन जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, मतलब मनुष्य से मनुष्य के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है। और क्योंकि पहली बार इस तरह का ट्रांसमिशन इतने वो इस रूप में हो रहा है, इसलिए ज़्यादा विकराल रूप में हो रहा है। और दूसरा, बिल्कुल नई बीमारी है इसको, इसलिए इसके बारे में कई सारी चीज़ें जो जानकारी है वो सिर्फ एजम्पशन पे चल रही हैं, मगर फिर भी जितना है इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि पहली चीज़ आती है कि किस किस कोई बीमारी हो सकती है, किस तरह की चीज़ें। जुकाम सब लोगों को होता है, मगर इसके अंदर क्या है, यदि किसी को साधारण खांसी हो रही है, हो सकता है वो एलर्जिक खांसी हो जी। यदि किसी को खांसी के साथ में बुखार भी है, साथ में नाक बह रही है या छींक आ रही है, तो वो साधारण फ्लू है जी। मगर यदि किसी व्यक्ति के अंदर खांसी है सूखी और साथ में उसको बुखार भी है, और यदि उसको एक हिस्ट्री है कहीं विदेश से वो आया है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जिसको कि ये ऑलरेडी बीमारी थी और इस तरह के उसमें आया है और उसको सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, तो तब उसको थोड़ा संभावना होती कि हाँ वो बीमारी इसको है। डॉक्टर वार्ष्णेय, ये बताएं कि जैसे कि अभी हमें रसानिया जी ने बताया कि ये कैसे फैल सकता है, लेकिन मान लीजिए हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जिसको इसका इन्फेक्शन है, तो इसके लक्षण हम में कब तक दिखेंगे और क्या मैं कैरियर भी हो सकती हूँ कि मेरे भले मुझे इससे असर ना पड़े लेकिन दूसरे व्यक्ति जिसके संपर्क में हम आ रहे हैं। अब आपने कहा कि तो ये जो वायरस होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जैसे किसी व्यक्ति को जब इन्फेक्शन हुआ तो उसके गले में जुकाम हो रहा है या खांसी हो रही है तो वो छींकता है या खांसता है जी। तो उसमें जो है जो छींक में छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं उसको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, और उस ड्रॉपलेट्स में हजारों की संख्या में वायरस होते हैं। ये वायरस लगभग जो है 3 से लेकर 5 फीट तक जा सकता है जो ड्रॉपलेट जाता है, तो उस नज़दीक में जो भी व्यक्ति होगा तो उसकी सांस में भी चूंकि वो सांस ले रहा है तो ये ड्रॉपलेट्स जा सकते हैं और उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो ड्रॉपलेट्स जब वो करता है खांसता है तो उसके आसपास जो भी चीज़ है, मान लीजिए वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, सामने मेज रखी हुई है, कोई हाथ में जग है, खाने का बर्तन है, कोई मोबाइल फोन है, कोई भी चीज़ है, उस पर भी ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, वो एक प्लास्टिक का सामान है और उस ड्रॉपलेट्स पे भी ये वायरस कुछ समय तक जिंदा रह सकता है जी। तो अगर हम डायरेक्ट उसके संपर्क में आए या जिस पे वो ड्रॉपलेट्स गिरे हैं उस किसी व्यक्ति ने उसको छुआ और फिर बिना उसको हाथ को साफ किए उसने अपने नाक पे मुंह पे आँख पे अगर वो हाथ लगा लिए तो उससे वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 14 दिन तक माना गया, जनरली 5-6 दिन होता है, परंतु अर्लीएस्ट इन्फेक्शन 2 दिन में भी आ सकता है, मैक्सिमम 14 डेज माना गया। 2 से 3 दिनों में भी इसके आ सकते हैं, आ सकते हैं। इसीलिए लेकिन चूंकि जैसे कि मैंने बताया कि 14 दिन तक भी होता है, तो इसलिए जितने भी लोगों के जो ऐसे व्यक्तियों के जो बाहर से जिनको इन्फेक्शन है उनके संपर्क में आए हैं तो उनको 14 दिन तक के लिए हम एहतियात के लिए आइसोलेट या क्वारंटाइन कहते हैं, कि वो अगर उनको कोई सिर्फ संपर्क में आए हैं कोई लक्षण नहीं है तो वो अपने को एहतियात अपने को आइसोलेट कर लें, जिससे हाँ अगर उनको फिर लक्षण डेवलप होते हैं, उनको बुखार आता है,
उनको गले में दर्द होता है, उनको सूखी खांसी आती है या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो तुरंत ही फिर नजदीकी अस्पताल में जाएं या जो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है उस पे कांटेक्ट करें और फिर उनकी जांच। यानी तब तो उस चीज का इलाज होगा, लेकिन पहले आपको अपने स्तर पर ये कदम इसलिए उठाना है क्योंकि इतनी शुरुआत में मान लीजिए आपको नहीं पता चला कि आप में आपको इसका इन्फेक्शन हुआ है नहीं, आप इसके चपेट में आए नहीं, तो बेहतर यही होगा कि आप अलग थलग हो जाएं, अपने घर में रहें, ऐसी जगह में रहें जहां दूसरे लोगों से संपर्क ना हो, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहां तक दवा का सवाल है, अभी कुछ रिसर्च हुई है जिसमें हमारी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक दवा है और कुछ एंटीवायरल दवाइयां हैं जो पहले हम एचआईवी पे इस्तेमाल करते थे, उनका इस्तेमाल किया गया है ऐसे गंभीर मरीजों में डॉक्टरों की देख रेख में और उसके कुछ प्रोमिजिंग रिजल्ट मिले हैं, परंतु अभी ये पूरी तरीके से उसका अपने प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल अभी ये पूरा अभी नहीं है कि यही दवाइयां देनी है, इसको कुछ अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी सिद्धेश जी हम यही कहेंगे कि आप अपने स्तर पर जो कर सकते हैं, भारत सरकार को जो करना है वो युद्ध स्तर पर अपना कार्य कर रही है, दुनिया भर में इसकी दवा ढूंढी जा रही है, उस पर कार्य किया जा रहा है, शोध किए जा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने स्तर पर ये कर रहे हैं कि बचाव करें और बचाव ही इस वक्त सबसे बड़ा इलाज है। और इस बीच हम दर्शकों को एक हेल्पलाइन नंबर भी बता देते हैं, कोरोना वायरस सेंटर का ये नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, अगर किसी तरह की भी आशंका है आप इस पर फोन करें और अपनी आशंका को दूर करें या फिर कोई जानकारी भी देना चाहते तब भी आप फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें 011-239-78046-011-239-78046, ये हेल्पलाइन नंबर है। स्पेशली ये कोरोना वायरस के लिए ही चलाई गई है ताकि आप इधर उधर से जानकारी ना जुटाएं, भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी आशंकित ना हो और गलत जानकारी को आगे ना बढ़ाएं। मगर एक चीज और जरूर है कि कोई भी दवा कृपया करके अपने आप ना लें, बिना डॉक्टर सलाह के कोई दवा ना लें। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कार्यक्रम छोड़कर कहीं मत जाइएगा क्योंकि और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इस विषय से जुड़ी हुई जो कि आप तक हम पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। और अगर आप कहीं बाहर से आए हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं तो ये ब्रेक आपको समय देता है कि आप हाथ धोकर आए। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 और 10, दोपहर 12 और 2। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, जागरूकता आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप बचाव करें, और बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कि बहुत सारी बातें समझ भी चुके हैं, जिनको टीवी की बीमारी है, जिनको दमे की बीमारी है, या कोई पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं, या जिनका कोई पुराना इलाज चल रहा है, तो उस तरह के मरीजों को कृपया करके थोड़ा घर में रहें, जितना हो सके घर के अंदर रहें, क्योंकि ये
वातावरण में कहाँ किस समय किसके पास वो बीमारी किस रूप में मौजूद हो, आप कैसे किस तरह के लोगों के संपर्क में आए, तो इतने इसलिए अच्छा है कि आप थोड़ा सा घर के अंदर रहें। और हो सकता है कि आप जो जो पार्क में बेंचेस हैं उस पर बैठे हैं उसमें कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने जिसको ये इन्फेक्शन हो सकता है उसके माध्यम से आप तक पहुंच जाए, तो बेहतर यही होगा फिलहाल अभी की स्थिति को देखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में ही रहें। और वैसे भी उम्र के साथ जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी घट जाती है, इसलिए भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है 60 से ऊपर जो हमारे व्यक्ति हैं जो लोग हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जैसे हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि इसका इलाज क्या है, और हम लगातार ये बता रहे हैं कि इलाज क्या है, बचाव ही इलाज है इस वक्त, तो ये बताएं कि किस किस तरीके से वो बचाव कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मैंने बताया कि बचाव ही इलाज है जो आप बार बार कह रहे हैं। और बचाव क्या है? बचाव बहुत सिंपल है कि नॉर्मल भी अगर किसी को कोई खांसी जुकाम बुखार है तो हम लोगों को छींक आना या खांसना स्वाभाविक है, परंतु जब हम खांसते छींकते हैं तो अपने मुंह पर एक रूमाल रखें। हर एक के पास एक रूमाल होता है। अगर मेरे को खांसी छींक आ रही है तो मैं मुंह पर रूमाल रख लूं। अगर महिलाएं हैं उनके पास कोई चुन्नी है कोई भी चीज है वो अपने मुंह पर रख लें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपनी कोहनी को टेढ़ा करके इस तरीके से उसमें खांसे, इससे वायरस दूसरे को नहीं फैलेगा। और अगर आपके पास मास्क है तो आप मास्क भी लगा सकते हैं। तो एहतियात उस व्यक्ति को बरतना बहुत जरूरी है जिसको जुकाम खांसी हो रहा है। वो अगर अपने को आइसोलेट करता है क्योंकि इन्फेक्शन उससे दूसरों को फैलाएगा। हर व्यक्ति पूरे में घूम रहा है और हर व्यक्ति मास्क लगा गया तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम लोग यही बार बार कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को भी इस समय अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम बुखार है, वो अपने को एक कफ एटिकेट्स जिसको हम बोलते हैं वो करें। बार बार अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन और पानी से धोएं। अगर वो बाहर जा रहे हैं और किसी तरीके से साबुन पानी नहीं है तो वो एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जिसमें 60% से ज़्यादा एल्कोहल की मात्रा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे वो बच्चे हों चाहे कोई वृद्ध हो या कोई भी बीमार है, वो अगर घर के किसी हिस्से में अपने को आइसोलेट करते हैं तो वो अच्छा है। उनके संपर्क में भी घर के व्यक्ति भी उनके संपर्क में ना आए, वो अपने को अलग रखें। अगर जाना भी है तो वो मास्क पहने, जो दूसरा व्यक्ति उनकी सेवा के लिए जा रहा है वो भी मास्क पहने, और उनसे 3 से लेकर 5 फीट की दूरी बना के रखें। क्या उसके इस्तेमाल की वस्तुएं भी अलग कर देनी चाहिए? बिल्कुल हाँ, ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी जब वो खांस रहा है छींक रहा है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसकी हर चीज में आएंगे, जो खाने के बर्तन है उसमें भी आएंगे, उसके इस्तेमाल की जो चीजें हैं, तो जिस समय तक वो बीमार चल रहा है उसको अलग रखें। हालांकि ये जो अभी नोवेल कोरोना वायरस आया है ये अभी देखिए स्टेज 2 में है हमारे, कोई जो बाहर से व्यक्ति आए हैं और जो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए उन्हीं तक है, अभी पूरे समाज में ये नहीं फैला है। और यही एहतियात का समय है। अगर इस समय हम एहतियात रखेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचेंगे, जहां पे मास्क क्राउड है वहां पे जाएंगे तो एक दूसरे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है कि अगर इतनी जब भीड़ होती है तो किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं है, तो अगर हम ये आगे की पीरियड में अपने को एहतियात रखते हैं तो हमारे जो पूरे परिवार है जो समाज है वो हमारे अपने हैं, अपनी भलाई के लिए भी और हमसे जुड़े हुए हमारे समाज की भलाई के लिए भी हमें अपने स्तर पर इन सावधानियों को बरतना होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी एंड रिनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग हॉस्पिटल बोल रहा हूँ। मैं आज अपने किसान भाइयों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसे तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या
जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज कर सकते हैं। और सिर्फ जानकारी ही बचा हुआ है। जानकारी क्या कि आप अपने आप को कैसे इससे बचा सकते हैं। कृपया करके जैसा डॉक्टर वाशिंग ने बताया कुछ एक चीजों का ध्यान रखें। आपकी जिम्मेदारी तीन चीजों के लिए है। एक तो स्वयं के लिए, स्वयं को कैसे बचाना है, जैसे डॉक्टर वाशिंग ने बताया कि कुछ कफ एटिकेट्स को थोड़ा ध्यान रखें, हाथ धोएं साबुन और उससे हाथ धोएं, परिवार के बाकी लोगों का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, इन सब चीजों से बचें, क्योंकि बाकी चीजों के बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। शोध प्रयोग करने के लिए हमारे डॉक्टर्स हैं जी। आप बस अपनी सावधानी बरतें, आप हवन करेंगे या फिर इससे किस तरह का लाभ होगा, इन सब चीजों पर मुझे लगता है कि अभी चर्चा करने का वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। और हमारे डॉक्टर लगातार, हमारे डॉक्टर्स की टीम इन सब चीजों पर लगी हुई है। तो आपसे मैं, आप कोई भी पूजा करें खुद एकांत में करें अच्छा है, क्योंकि अगर आप सामूहिक कोई पूजा करते हैं, और इस समय हम कह रहे हैं सामूहिक मत इकट्ठे हुई है जी, बिल्कुल, तो इसलिए इस समय कोई भी सामूहिक, चाहे वो मेला हो, चाहे सामूहिक रिलीजियस गैदरिंग हो, चाहे सामाजिक गैदरिंग हो, चाहे हमारी पार्टीज हो, कुछ भी है, वो सामूहिक गैदरिंग हमें नहीं करनी चाहिए। उसी तरीके से हम एक दूसरे से अगर दूर रहेंगे तो ये वायरस एक दूसरे से नहीं फैलेगा, और वही हमारे लिए स्टेज अच्छी होगी कि हम स्टेज थ्री में ना जाएं। जी रसाना जी, हमारे गांव के जो हमारे निवासी, हमारे किसान जो हैं, जो गांव का तो अपना ही एक कल्चर रहता है, एक सामाजिक ताना बाना है कि लोग चौपाल में इकट्ठे होते हैं, हाट पहुंचते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, उनके क्या क्या सावधानी। देखिए ये बात सही है, हमारे ग्रामीण भाई संपर्क में भी रहते हैं, कहते पशुओं से फैलता है, अगर ये अगर इस तरह की बातें कही जा रही है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। तो मन में कुछ भ्रांति है कि पशुओं से ये फैल सकता है, आपके पालतू कुत्तों से, पालतू भैंस वगैरह, ऐसा कोई इस पे कोई विषय शोध नहीं हुआ और ऐसी कोई जानकारी है नहीं, तो कृपया करके अभी इस बात को नहीं रख माने। दूसरा एक चोर जी, ग्रामीण भाई हमें कहे शाम के समय सभी लोग चौपाल में बैठते हैं, हुक्का का इस्तेमाल करते हैं, हाँ हुक्की का साथ में लेके सब इस्तेमाल करते हैं, सब बैठ के चौपाल में सब हुक्का एक दूसरे बांट रहे हैं आपस में बैठे हुए हैं। अभी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए थोड़ा सा जितना हो सके अपने दिनचर्या को थोड़ा इस तरह बनाएं, अपने तक, अपने परिवार तक थोड़ा सीमित रहें कुछ समय के लिए, क्योंकि इस समय जो भी एक तरीका हो सकता है किसी के साथ भी आपसे समस्या, अगर किस तरह से इन्फेक्शन आपका ट्रांसमिट हुआ, संक्रमण किसी से भी दूसरे के पास फैला, तो सभी जगह फैलेगा। नमस्कार, दूरदर्शन देखने वाले मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरी शुभकामनाएं। हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जब लॉकडाउन में हैं, घर में अकेले या अपने परिवार के साथ भी होते हुए एक हमें डर सताता रहता है। ऐसे समय में कुछ लोगों को नशे का सहारा लेने की इच्छा होती है, कुछ और गलत खबरें भी छप रही थी कि अल्कोहल से कोरोना वायरस कम होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस कम नहीं होता, बल्कि अल्कोहल से हाथ धोने से कुछ हद तक अपने हाथ साफ हो जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छे हाथ साफ करने का तरीका है साबुन से हाथ धोना और अच्छी तरह से आगे पीछे उंगलियां, अंगूठा इत्यादि सारे अच्छी तरह से साफ करना। इसलिए मेरी भाइयों और बहनों से यही विनती है कि वे शराब का सेवन इस दौरान बिल्कुल ना करें, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर जिंदगी से ही शराब को दूर कर दें और कभी भी शराब का सेवन ना करें, इसका प्रण कर लें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। ये भी कहा जा रहा है, लोग इस तरह की भी चर्चाएं करते हैं गांव देहात में कि ये तो बड़े लोगों की बीमारी है, ये तो शहरों की बीमारी है, थोड़ा तो इसके बारे में बताएं। इस बीमारी के लिए सभी बराबर हैं, ध्यान रखिए, गरीब अमीर गांव शहर सभी बराबर हैं, ध्यान रखिए। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ अमीरों की बीमारी है, हर कोई इसके चपेट में आ सकता है, कृपया करके अपने आप को बचाएं। मगर ये भी ना हो कि बहुत हवा क्रिएट ना करें, ये साधारण जैसे डॉक्टर वाशिंग ने बताया 80-90% लोगों में अपने आप दूर हो जाएगी, मगर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको थोड़ा बचाएं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा, या जो बीमार ऑलरेडी बीमार लोग हैं उनको थोड़ा किस तरह अपने आप को बचाएं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें चांसेस थोड़ा उसके खतरनाक उसके रूप में प्रकट होने के ज्यादा हो जाते हैं। चलिए जी, इसी के साथ ही हमें वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे लिए आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की,
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, कैसे आप बचाव करें, जागरूकता फैलाने की हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। कोरोना COVID-19 संक्रमण दिशा निर्देश। किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें। एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए, हाथों को चेहरे पर ना लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें, एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई में उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखा कर रखें, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें। स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा।
और डॉक्टर साहब हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं जो कि मेल भी करते हैं, और जैसा कि अभी हमने हाथ धोने की बात कही तो हितेश कुमार हैं आगरा से, इनका कहना है कि हम गांव में रहने वाले हैं और होली के बाद बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम हो ही गई है और अभी बहुत समय भी नहीं बीता है, गांव में हैंड सैनिटाइज़र और मास्क की उपलब्धता को भी लेकर मुश्किलें सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब गांव में कैसे बचें, कैसे क्या करें? अभी सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो जिस समय कोरोना वायरस का, वैसे तो कोई भी वायरस होता है जो नॉर्मली हम खांसी जुकाम है वो भी हमारे के वायरस हवा से ही, सांस से और ड्रॉपलेट से ही फैलता है, और हमें कफ एटिकेट्स जो खांसने के जैसे मैंने बताया हमेशा रखने चाहिए। हाथ धोने के लिए आजकल देखिए साबुन तो लगभग सब जगह ही होता है, तो साबुन और पानी से अच्छी तरीके से हाथ धोएं, और हाथ धोने का तरीका है कि पहले हम अपने हाथ को भीतर की तरफ से धोएं, फिर ऊपर की तरफ धोएं, फिर आपकी उंगलियों को अच्छी तरीके से रगड़ें, फिर नाखूनों को रगड़ें, इस तरीके से करीब 20 सेकंड तक हमें अपने हाथों को साफ करना चाहिए पानी से, तो इस तरीके से जो भी वायरस वगैरह है वो मर जाते हैं। और जब भी हम कोई खांसते हैं, छींकते हैं या कोई वस्तु के खाने से पहले, भोजन से पहले अच्छी तरीके से करें। नॉर्मली हमारे देश में या सब जगह है कि शौच जाने के बाद हर आदमी अपने हाथ साफ करता है, तो इस तरीके से जो हाथ साफ करने का, कि जो व्यक्ति भी, अभी मैं मानता हूं कि जिसको भी कोई खांसी जुका वो अपने आप को एहतियात से अलग कर ले जी। अपने को एक जगह आइसोलेट कर ले और कफ एटिकेट रखे, अपने हाथ की सफाई रखे और दूसरे लोग उसके संपर्क में ना जाए, उससे 4-5 फीट की दूरी बना के रखें, तो ये वायरस एक से दूसरे से फैलने पे हम रोक सकते हैं। जितना हो सके अपने हाथों को साफ करें। अच्छा, अभी जैसे मेरे पास में साबुन नहीं है मगर जैसे सैनिटाइजर है, अगर उसको ये मान के चलिए कि आपके साबुन है, जैसे हाथ को आपने थोड़ा गीला किया, गीला करा मतलब कि आपने इसको अपने हाथ पे डाला साबुन को या जो भी कुछ आपके हाथ में, एक याद रखिए SUMANK, सुमन तो सबको नाम मालूम, सुमन के नाम याद रखिए। एस मीन्स सीधा, पहले हाथ सीधे साफ कीजिए इसको, सीधे, ठीक है, सीधे लगाइए। यू मीन्स उल्टा, उल्टी तरफ लगाइए इसे, उल्टी तरफ से हाथ साफ कीजिए। एम मीन्स मुट्ठी, मुट्ठी को इस तरह से कीजिए, तो ये आपका ये हो गया। ए मीन्स अंगूठा, अंगूठे को साफ कीजिए। और एन मीन्स नेल, नाखून साफ कीजिए। और के मीन्स कलाई। इस पूरे प्रोसेस को करने में सिर्फ 20 सेकंड लगाने हैं। सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई, बस ये 20 सेकंड में। 20 सेकंड आप 20, एक से 20 तक गिनती का, ये हैप्पी बर्थडे टू यू जैसे आजकल है, गिनती गिन लें, एक से 20 तक गिनती बस ये कर लें, और उसके बाद साधारण पानी से हाथ धो लें, बस काफी अच्छे तरह। जी, तो ये चाहे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या फिर साबुन का इस्तेमाल करें, पहले हथेली में साबुन लें और इस तरीके से सुमन के आपने बताया कि उसको याद रखें और समझ जाइए कि किस तरीके से आपको हाथ धोना है। और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है क्योंकि कई बार हम लोग आशंकित हो जाते हैं कि आखिर कोरोना वायरस है क्या, किसके लिए खतरा है और किसके लिए इमरजेंसी, और कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो कि हम ले सकते हैं, जिसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं, और इसके लक्षण क्या क्या हैं, एक बार फिर से हम आपको अपनी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस चाइना से आया, अब पूरी दुनिया में घूम रहा है और भारत भी अब इससे अछूता नहीं है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा संक्रमण है जिसका हमें जल्दी से पता नहीं चलता। बता दें कि कोरोना वायरस यदि वर्टिकल है तो इसका डायमीटर 400 से 500 माइक्रो होता है, यानी कि बहुत भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, आपको फार्मासिस्ट के पास भागने की जरूरत नहीं है, मास्क या कोई कपड़ा भी वर्टिकल को रोक सकता है। पहले ये जान लें कि ये वायरस कहां पर कितने देर तक टिकता है। अगर मेटल की बात करें तो दरवाजे के हैंडल हैं, मेट्रो का आपने पोल पकड़ रखा है, या आप जहां पर भी जा रहे हैं, छू रहे हैं या पकड़ रहे हैं। बता दें जब कोरोना वायरस किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उसकी उम्र 12 घंटे तक होती है। तो आपको करना क्या है, करना है कि घर पर आते ही 20 सेकंड तक हाथ धोएं, और मान लीजिए कपड़े में वायरस है तो वो 9 घंटे तक जिंदा रहेगा, लेकिन आप कपड़े को धोकर 2 घंटे धूप में सुखा दीजिएगा तो ये वायरस भी खत्म हो जाएगा।
अब अगर ये वायरस हाथों पर लग गया, शरीर पर लग गया, तो इसकी लाइफ केवल 10 मिनट है। तो एक हैंड सैनिटाइजर जो 50, 60, 70, मान लीजिए 100 रुपए में आएगा, अपनी जेब में रखिए। जब भी किसी से मिलिए तो टाइम टू टाइम अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए, इससे वायरस खत्म हो जाएगा। अब एक और बड़ी बात, मान लीजिए वायरस आ गया आपके पास या नहीं भी आया आपके पास, वैसे भी थोड़ा सा गुनगुना पानी 15 से 20 मिनट पर एक या दो सिप पीते रहिए। गर्म पानी पेट में जाएगा और कहते हैं ना, पेट का तेजाब जो होता है इसे अपने आप खत्म कर देगा। अब एक और बड़ी बात, खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बाहर की कोई चीज बिल्कुल ना खाएं, पिज्जा बर्गर तो बिल्कुल नहीं। घर का खाना खाइए, गर्मा गर्म खाइए, फ्रिज के पानी से बचिए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को तो थोड़े समय के लिए त्याग ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वायरस जो है ना ठंड की वजह से होता है। जितना हो सके गर्म चीजों का सेवन करें, काली मिर्च, अदरक है, चाय आदि भी आपके बदन की तासीर को गर्म रखेगी। जी हाँ, एक बात और आपको बता दें, यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, यदि आपका इम्यून पावर ठीक है, तो ये वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं करेगा ये। लेकिन आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है, यदि कोई छींक रहा है तो आप उससे 3 मीटर दूर रहिए, और यदि आप छींक रहे हैं तो दूसरों से भी 3 मीटर दूर रहिए। और हाँ, अगर आपको हल्का फीवर है, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सूखी खांसी है, तो पब्लिक प्लेस में बिल्कुल नहीं जाइए, पब्लिक प्लेस में जहां तक हो सके नहीं जाइए, और तुरंत चेकअप करवाइए। जी हाँ, एक बात और आपको बता दें, इलाज नहीं है लेकिन जागरूकता तो है ना। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। इस बीमारी, ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहाँ इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला इंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। जी हाँ, जागरूकता इस वक्त का सबसे बड़ा हथियार है इस वायरस से लड़ने का। डॉक्टर रसनिया, मैं आपके पास आना चाहूँगी, ये बताइए कि जो हम इस वायरस की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्शक हैं जो कि ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर इस तरह की आशंका ज़्यादा होती है कि वो इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं या फिर उनके काम की मजबूरी है, तो उनके परिवार वालों को या फिर उनके संपर्क में जो लोग हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे आपके, मेरे ख्याल आप कहना चाहते हैं जो स्वास्थ्यकर्मी जैसे अस्पताल में काम कर रहे हैं, जो सीधे उस जगह काम कर रहे हैं, उसमें जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं खासतौर से जो अस्पताल में या जो कुछ उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनको अपना ध्यान खासतौर से रखना है। ध्यान रखिए, ये अपना प्रोटेक्शन जैसे बताया अस्पताल में दी, जो इस तरह के जो उसमें लगे हुए हैं, तो उसमें मास्क पहने, बार बार हाथ पैर को साफ रखें, हाथों को सफाई करें, और जब घर पर आएँ, अपने घर पर आएँ, जो आपके कपड़े पहने हुए उनको तुरंत धुलने के लिए डालें, या अगर वहाँ से सुविधा उपलब्ध हो तो वहाँ ना कराएं। यदि सुविधा उपलब्ध है आपके पास में, अधिकतर अस्पतालों में भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि जहाँ जहाँ इस तरह के जो लगे हैं वो घर जाने से पहले वहीं के वहीं नहा कर तब घर जाएं, तो इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और अपने आप अपना, क्योंकि आप अपना ध्यान रख पाएंगे तो तभी दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। घर के बाकी लोगों को भी इस तरह से कुछ जानकारी दें कि जितना हो सके अगर किसी को जरा सा भी कुछ होता है तो थोड़ा अपना प्रोटेक्शन की, पूरे प्रोटेक्शन जितना है वो सब रख कर रखना। जी डॉक्टर वार्षण, अब ये बताइए कि एक हम आजकल टर्म सुन रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तो हमारे जो गांव के दर्शक हैं उनको बताएं दरअसल ये सोशल डिस्टेंसिंग है क्या
और कितना डिस्टेंस, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यही जो मैंने जो पहले भी कहा था कि जो वायरस की रेंज है, जब हम कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित है वो नेचुरली चूंकि उसके गले में इन्फेक्शन है तो वो खांसेगा या छींकेगा और वायरस ड्रॉपलेट से फैलेगा और जनरली ये ड्रॉपलेट 3 से 5 फीट की दूरी तक जाते हैं, तो अपने को उससे 3 से 5 फीट तक दूर रखना है और जब वो खांसेगा तो उसके इस्तेमाल में जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर भी वो ड्रॉपलेट्स गिर सकते हैं, तो उस पे भी वायरस कुछ घंटों तक जिंदा, मतलब सीधी सी बात है, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि हम भीड़ भाड़ इलाकों से बचें, क्योंकि और जो व्यक्ति संक्रमित है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जो संक्रमित है इवन नॉर्मल जुकाम खांसी से है वो भी अपने को आइसोलेट कर ले, अपना एक अलग अगर घर में एक कमरा अलग रख ले उसमें अपने को रखे और जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता तो वायरस फैलने की संभावना बहुत ही कम। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ हमें हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि अपने आप को अलग थलग कर ले, आइसोलेशन में चले जाए, इसको भी लेकर लोगों के मन में बहुत तरह की आशंकाएं हैं, डर है कि ये सोशल आइसोलेशन क्या है, हमें अलग क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा, इसको लेकर बहुत डरे भी हुए हैं और इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की हमारी ये कोशिश होगी कि कैसे आप इसे अपना सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को डटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार, देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस पर और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने ब्रेक से कहा कि ये जो हम बता रहे हैं कि अपने आप को अलग थलग कर लें और जिनमें इसके लक्षण पाए जा रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन या फिर आइसोलेशन, जैसे हॉस्पिटल्स में वार्ड बने हुए हैं वहाँ पर ले जाया जा रहा, तो इसको लेकर भी बहुत लोग डर में है, शायद उन्हें लगता है कि किसी तरह की उन्हें सज़ा दी जा रही है, जेल हो रही है, इस तरह की आशंकाएँ और डर है मन। देखिए, बहुत आवश्यक आप जानकारी लोगों को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है इसमें। देखिए, एक जो सेल्फ क्वारंटाइन बोलते हैं ना कि हम अपने आप को आइसोलेट करें, वो इसलिए है कि यदि हम किसी के संपर्क में आए हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको कि इन्फेक्शन था उसके संपर्क में आए, तो हम बोलते हैं आप घर में 14 दिन तक रहिए। वो इसलिए बोलते हैं घर में 14, क्योंकि अगर यदि बीमारी के लक्षण पैदा होंगे तो 14 दिन के अंदर पैदा हो जाएंगे। वो 14 दिन का पीरियड ऐसा है जिसमें कि, क्योंकि इसके या तो 2 दिन से लेकर 14 दिन तक पीरियड है जिसमें कि इसके लक्षण पैदा होते हैं, 14 दिन मैक्सिमम दिन है, ठीक है। इस दौरान में आपके सारे लक्षण पैदा, अगर जिसको बीमारी होगी तो उसके लक्षण पैदा हो जाएंगे, और यदि हो जाते हैं तो टेस्ट करा के फिर आपको इलाज लेना है, इलाज के लिए आपको अस्पताल में जाना होगा, ठीक है। मगर ये ना सोचें कि मुझे उसमें जेल में डाल दिया गया, और ये भ्रांति बिल्कुल नहीं है कि मुझे बीमारी अगर कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। जैसा डॉक्टर वाशन ने बताया कि 100 में से 80% लोगों को ये साधारण नॉर्मल खांसी जुकाम के रूप में खत्म हो जाता है, किसी को ज्यादा इसको कुछ नहीं। 10 या 12% लोगों में थोड़ा सा कुछ होता है कि जिसमें थोड़ा सा दवाइयों की जरूरत पड़ती है, सिर्फ कुछ हैं 5% लोगों को जिसमें कि थोड़ा सा बीमारी ज़्यादा होगी तो उनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, साधारण रूप से अधिकतर लोगों में ये सीधे सीधे ठीक हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं जी। यानी अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ भी है, आप इसके चपेट में आए भी हैं, तो डॉक्टर साहब क्या ये अपने आप ही ठीक हो सकता है? अगर बिल्कुल ये मतलब सिम्टोमेटिक इलाज मिला है उनको कि बुखार के लिए दवा दे दी, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन नहीं मिली, और जो हमारी इम्यूनिटी होती है शरीर की वो हम वायरस को किल कर देती है, और ज्यादातर केस में वही लोग जिनकी शरीर की इम्यूनिटी कम थी, जैसे मैंने पहले बताया कि उनको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, गुर्दे की बीमारियां, HIV की बीमारियां, सांस की बीमारियां, या जिनको स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी वजह से, जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह है कि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, उसके लिए एक अच्छा प्रोटीन वाला
भोजन लें, अच्छे फल और हरी सब्जियां लें, सिट्रस फ्रूट लें, आंवला है, नींबू है, रसेदार इस तरीके के जो जिसमें विटामिन सी होता है, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब मुझे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आज विशेषज्ञों ने जो हमें सलाह दी है इससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि हमें मेल भेजते हैं, तो पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं, उनके बारे में आपको बता दें। छपरा बिहार से बबीता राय ने हमसे पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से घबराहट और चक्कर आने की शिकायत है, क्या करें। वहीं राजस्थान से राखी मीणा ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज करते हैं लेकिन जलन कम नहीं होती है। इनका भी ये सवाल है कि आखिर क्या किया जाए। दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से दे दी जाएगी। हमें आप पत्र लिख सकते हैं, मेल लिख सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें, डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल पता नोट कर लें, बहुत आसान हमारा ईमेल पता है, swasthkisan@gmail.com ही हमारा ईमेल पता है। और आपके पत्र और आपकी मेल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर ये भी बता दें कि आप अपने परिचितों से मिले अगर तो नमस्कार ही करें, और कोशिश करें कि बाहर ना निकलें और जागरूकता फैलाएं। यही हम लगातार कार्यक्रम के माध्यम से आपको कह रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहें, अपनों के लिए और अपने लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।